नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटसी विन प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, हम कवर करने वाले हैं विक्टोरिया बोन्स टी ट्वेंटी सीरीज का मैच नंबर 7, जो कि दोस्तों अभी खेला जाएगा युगांडा बोन्स वर्सेस तंजानिया बोन्स टीम्स के बीच। प्लान्स करेंगे फुल स्टार्टर्स इन्फो, दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आप कुछ वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले मैचेस के वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, जो हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो अपनी जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, कभी कभार लिंक वर्क न करें तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अपने टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @realfwp, आपको फैंटसी विन प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 24,500 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को अपने ज्वाइन करना। दोस्तों, मेरे नाम से कुछ फेक चैनल भी बने हैं, तो प्लीज़ आप उनसे सावधान रहिएगा। और यूजर नेम @realfwp देख के, 24,500 के आसपास सब्सक्राइबर देख के, हमारे रियल टेलीग्राम चैनल को ही आपने ज्वाइन करना है। दोस्तों, बात करें मैच की, मैच दोपहर में 12 बजे से स्टार्ट होगा और दोस्तों मैच होने वाला है लुगोगो स्टेडियम कंपाला युगांडा के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैच पिच की, तो विकेट बैलेंस बन के अपनी टीम को क्रिएट करिएगा। हालांकि दोस्तों, इस ग्राउंड के अंदर जो बॉलर्स हैं उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग मुकाबले यहाँ पे होते नहीं है। आप 100 से 120 के रेंज में स्कोरिंग देख सकते हैं। पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं युगांडा बुन्स की, तो दोनों ही टीमों का परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में जबरदस्त रहा है। दो मैच खेले युगांडा ने, दोनों मैच जीत किया रहे। वही दोस्तों जो तंजानिया बुन्स की टीम है, वो भी अपने दोनों मुकाबले जीत के रही बड़े मार्जिन से। तो यहाँ पर दोस्तों आपने एक बैलेंस टीम बनानी है। 6-5 का कॉम्बिनेशन है, स्मॉल लीग के अंदर तंजानिया के फेवर में ट्राई कर सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग में आप युगांडा को भी फेवरेट करके टीम जरूर बनाएगा, ये भी इनको हरा सकते हैं। इस टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते नजर आएंगे केविन अविनो, इनके साथ ओपन करने आएंगे प्रिस्कोविया अलाको। यदि बात करें दोस्तों अविनो को, जो राइट हैंड बैट्समैन, विकेट कीपिंग करेंगे, जो दो मैच खेले हैं 25 और 2 का स्कोर किया। इस सीरीज वाले जो लास्ट के 5 गेम खेली थी, 12, 42, 29, 15 और 5 का स्कोर था, तो ठीक ठाक से भी 20-25 कभी भी कर सकते हैं। अपनी टीम में एज ए प्लेयर जरूर ट्राई करेगा। इनके साथ ओपन करने आएंगे प्रिस्कोविया अलाको, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। अब लास्ट के जो दो गेम खेले हैं 18 और 0 का स्कोर किया। इस सीरीज वाले जो लास्ट के 4 गेम खेले थे 30, 4, 38, 0 का स्कोर था, तो उतना कुछ खास मतलब इंपैक्ट वाले प्लेयर नहीं, लेकिन हाँ यदि रुक टिक गई तो 25-30 कभी भी कर सकते हैं। तो जीएल के अंदर ही ट्राई करिएगा, या फिर आप उस प्लेटफॉर्म पर ट्राई कर सकते हो जहाँ पे 3 बैट्समैन लेने जरूरी होते हैं, वहाँ पे आप इनको बैटिंग सेक्शन से ले सकते हैं। नंबर 3 बैटिंग ऑर्डर रहेगा जैनेट बाबाजी का, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, लेग ब्रेक डालती है। लास्ट गेम में 3 ही ओवर डालते, 1 विकेट निकाले, उसके पहले 4 ओवर डालते, 1 विकेट निकालते, 28 रन बैटिंग से किए, 28 और 9 का बैटिंग से स्कोर है। तो नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे तो बैटिंग से रन बना सकती है, साथ में आपको 3 से लेकर 4 ओवर की बॉलिंग करती हुई नजर आएंगी। तो कैप्टन और कैप्टन की एक अच्छी ऑप्शन आपकी स्मॉल लीग टीम में रहेंगी। बात करें दोस्तों स्टेफनी नंपीना की, लेग ब्रेक भी डालती है, राइट हैंड बैट्समैन है। अब दोस्तों जो दो गेम खेले हैं, लास्ट गेम में 2 ओवर डाले, उसके पहले 3 ओवर डालते, बैटिंग से 13 और 18 किया हुआ है। नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे, 2 से 3 ओवर की बॉलिंग करेंगे। ग्रैंड लीग कैप्टन और कैप्टन ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में बतौर प्लेयर रखिएगा, क्योंकि बॉलिंग पूरा 4 ओवर इनका कन्फर्म नहीं रहता है। बात करें दोस्तों यहाँ पे इमाकुलेट नगसुई की, राइट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम 18 किए, उसके पहले 4 किए थे। ओवरऑल इस सीरीज पर जो 3 गेम खेले थे वहाँ भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, आसानी से छोड़ सकते हो। सेम दोस्तों रीता मासुमाली का है, इनको भी छोड़ दिएगा, बैटिंग ऑर्डर नीचे रहता है। कुलमे को आप आसानी से छोड़ सकते हो। बात करें दोस्तों कॉन्सलेट अवेको की, जो कि राइट आर्म मीडियम है, लास्ट गेम में 4 ओवर डाल के 2 विकेट निकाले, उसके पहले 4 ओवर डाल के भी 2 विकेट निकालते, तो 2 मैच में 4 विकेट ले चुके हैं और 4 ओवर की पूरी बॉलिंग करके जा रहे हैं, तो आपकी टीम में मस्ट हैव पिक हो जाती है। बात करें दोस्तों एवेलन अनेपो की, जो कि राइट आर्म मीडियम है, लास्ट गेम में 4 ओवर डाल के 1 विकेट निकाले, उसके पहले 3 ओवर डालते विकेट लेती, तो आपको 3 से लेकर 4 ओवर की भी बॉलिंग करती नजर आएंगी। इस से पहले भी परफॉर्मेंस ओवरऑल बढ़िया था, तो आप ट्राई कर सकते हो। एरन अलोमो की बात करें, राइट आर्म ऑफ ब्रेक डालती हैं, लास्ट गेम में 4 ओवर डाल के 1 विकेट, उसके बाद 4 ओवर डाल के 2 विकेट, तो 4 ओवर ये भी आपको डालते हुए नजर आएंगे, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, इनको भी जरूर ट्राई करिए। सारा अटकिन ने 3 और 2 ओवर की बॉलिंग कराई हुई 2 मैच में, ऑफ ब्रेक डालती हैं लेकिन विकेट नहीं मिला हुआ, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, तो ग्रैंड लीग ही आपने ट्राई करना है। बेंच में जो प्लेयर है वो लोग शायद ना खेलेंगे, क्योंकि सेम टू सेम दोनों मैच में इसी प्लेइंग 11 के साथ युगांडा बुन्स की टीम खेली थी, तो 2 मैच लगातार इसी प्लेइंग 11 से लोग जीत के आ रहे, तो मुझे नहीं लगता है लोग कोई भी चेंजेस करेंगे और सेम प्लेइंग 11 के साथ आपको युगांडा की टीम जाते हुए दिख सकती है। बात कर लेते हैं दोस्तों हम तंजानिया मैच की, क्योंकि अपने दोनों का भी जीत के आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको जो फाइनल टीम मिलेगा आफ्टर टॉस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ऑलरेडी दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर 24,500 ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जुड़ना बिल्कुल फ्री है, तो आप भी जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में लिंक दिया हुआ है, आपने क्लिक करके टेलीग्राम पर एंट्री ले लेनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तंजानिया की, इस टीम की तरफ से आप ओपनिंग करते देखेंगे फतुमा किबासु, उनके साथ ओपन करने आएंगे सोंगा मेटी। बात करें दोस्तों किबासु को, जो राइट हैंड बैट्समैन है, मीडियम पेस बॉलिंग कर सकती हैं लेकिन रेगुलर बॉलर नहीं है। लास्ट गेम में 37 किए, उसके पहले 36 किए, बैटिंग से दोनों मैच में कड़क स्कोर है। लास्ट गेम में 1 ओवर की बॉलिंग कराई थी जहाँ पर इनको विकेट नहीं मिला था, हालांकि इस सीरीज पर जो लास्ट के 5 गेम खेली थी वहाँ पर इनको 2 मैच में इन्होंने बॉलिंग कराई थी, 30, 0, 101, 16 और 20 का बैटिंग से स्कोर था, लेकिन 3 मैच में बॉलिंग कराई थी उन्होंने और 2 मैच में बॉलिंग नहीं कराई थी आखिरी में और यहाँ पे।
तो आप देख सकते हैं, मतलब बॉलिंग का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी करेंगी कभी नहीं करेंगी। हाँ, एक आध ओवर की बॉलिंग आप कभी भी देख सकते हैं, साथ में ओपन करेंगी तो एज अ प्लेयर जरूर रखिए। कैप्टन वाइस कैप्टन आप सोच रहे हैं तो अपनी ग्रैंड लीग के अंदर बनाना है, क्योंकि बॉलिंग का कोई भरोसा नहीं है। सेम दोस्तों सौम्य मेट का है, लास्ट के जो 5 गेम खेली उसमें सिर्फ ने 3 मैच में बॉलिंग नहीं कराई, आखिरी 2 मैच में कराई है, और लास्ट गेम में सिर्फ 5 बॉल डाली, यहाँ पे 1 विकेट मिला, 35 और 40 के बैटिंग से स्कोर है। तो बैटिंग से दोनों अच्छे फॉर्म में चल रहे, दोनों ब्रांड के कड़क हैं, लेकिन बस एक ही चीज़ है कि बॉलिंग का इनका कोई कन्फर्म नहीं रहता है। तो इसलिए एज अ प्लेयर तो दोनों को स्मॉल लीग में रखना है, कैप्टन वाइस कैप्टन आप इनको ग्रैंड लीग या मिनी जेल में बना सकते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पे मानवी अमी को आप छोड़ सकते हो आसानी से, बैटिंग ऑर्डर नीचे, बॉलिंग कोई भरोसा नहीं है। लास्ट मैच में तो 1 रन किया नंबर 3 पे आकर, उससे पहले तो बैटिंग ही नहीं आई थी, बॉलिंग एक ओवर की दे दी गई, लेकिन आमतौर पर बॉलिंग करती नहीं है। हुडा उमरी 2 डाउन खेलेंगे, लास्ट गेम में 24 नॉट आउट की, उसके बाद 27 नॉट आउट की, दोनों मैच में बैटिंग से अच्छा इंपैक्ट डाला है, तो आपकी टीम इंपॉर्टेंट रहेंगी। इससे पहले भी लास्ट के जो 5 गेम खेलते ना वहाँ भी अच्छा किया था, 12-10, लेकिन 20, 29 और 25 के 3 अच्छे स्कोर थे। तो 25 से कभी भी कर सकती है, नॉट आउट भी रहे दोनों मैच में, तो जरूर ट्राई करिएगा, स्पेशली बैटिंग से इनकी टीम पहले बैटिंग करे तो नहीं होगा। उसको आप छोड़ सकते हो, लास्ट गेम में 8 गेम उसके पहले 20 किए थे, 1 मैच में 2 ओवर की बॉलिंग कराई, लेकिन बॉलिंग का कोई भरोसा नहीं है। इस रेस पर जो लास्ट के 4 गेम खेले थे, 1 अच्छा स्कोर था 35 का, लेकिन बॉलिंग उन्होंने किसी मैच में नहीं करी थी, इसलिए बॉलिंग रिस्की रहेगा, तो ग्रैंड लीग ट्राई करेगा। पी जे का कमोनिया की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक डालिंग, कैप्टनसी की भी एक अच्छी ऑप्शन है। लास्ट गेम में 4 ओवर डाल के 3 विकेट निकाले, 34 रन किए, उसके पहले 4 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला था। तो अब 4 ओवर के इनसे बॉलिंग देखेंगे, प्लस यदि बैट फर्स्ट स्टीम करा तो बैटिंग से रन भी बना सकती है नंबर 6 के आसपास आके। शुभम मोहम्मद को आप छोड़ सकते हो। बात करें दोस्तों यहाँ पे ए मोहम्मद अली की, जो कि राइट आर्म मीडियम, लास्ट गेम में 2 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला, उसके बाद 3 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला था, तो 3 ओवर के आसपास बॉलिंग देखेंगे। लास्ट गेम में दोस्तों इनके बॉलर्स ने कम बॉलिंग क्यों की थी, सबने 2 ओवर क्यों डाले थे, उसका रीजन ये था कि लास्ट मैच जिनका हुआ था इस टीम ने 14 ओवर पर ही सामने वाली टीम को समेट दिया था, तो बस इसलिए इनके बॉलर्स ने कम ओवर डाले थे। 20 ओवर का गेम होता तो स्पेशली आपको जैसे जोसेफ कोयले हो गए, या से जेरोम हो गई, मोहम्मद ही हो गए, ये लोग 4-4 ओवर जरूर डालते हैं। कैली भी ठीक ठाक डाल सकते हैं, और यहाँ से कोयले का भी 2 मैच में 1 ही विकेट अब तक रहा है। जेरोम ने 2 मैच में 3 विकेट निकाले, लास्ट गेम में 2 ही ओवर डाले लेकिन फिर भी 2 विकेट निकाले, अच्छी बॉलर है। इस तरह से परफॉर्मेंस अच्छा था, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, कमाल का परफॉर्मेंस था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और मोहम्मद भी ऑफ ब्रेक डालती है, 2 मैच में इनके नाम भी 1 विकेट है। अब दोस्तों बेंच में जो प्लेयर हैं वो लोग शायद आपको पे खेलते हुए ना दिखे, नासरा सैदी खेलती हैं, तो ये ज्यादा बढ़िया रहेंगी। बाकी आप देख सकते हो परफॉर्मेंस, आपके सामने तंजानिया का परफॉर्मेंस है, प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर यही देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों अभी के लिए इस मैच का टीम क्या बना है, चलिए हम टीम देख लेते हैं, लेकिन जो फाइनल टीम बनेगा ना वो बनेगा आपको आफ्टर टॉस हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ऑलरेडी वहाँ पर दोस्तों 24,500 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके अपने एंट्री ले लेनी है टेलीग्राम पे। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो ही दिए जाते हैं। दोस्तों विकेट कीपरिंग सेक्शन में केविन अमीनो के साथ जा रहा हूँ, स्मॉल लीग में ही बेहतरीन ऑप्शन है, मोहम्मद को आप छोड़ दीजिएगा, बाकी यहाँ पे कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं। बात करें बैटिंग सेक्शन की, यहाँ से मैंने एक प्लेयर लिया है कि एफ ककीबासु, क्योंकि दोस्तों ये बैटिंग से कड़क फॉर्म है और बॉलिंग भी हो सकता है कर जाएगा तो की। हालांकि दोस्तों यदि आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर खेल रहे हैं जहाँ पर 3 बैट्समैन लेने हैं, तो आप हुडा उमरी को ट्राई कर लीजिएगा, प्रेस की वो अब अकाला को ट्राई कर लीजिएगा, तो ये दो ऑप्शन आप कहाँ पर ट्राई कर सकते हो, ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर 3 बैट्समैन लेने हैं, बाकी यहाँ पर कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं। हाँ, रोटेशन में आप नियम पीस को भी ट्राई कर सकते हो, जिनकी टीम पहले बात करें। बात करें दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऐसे जेंट मम्बाजी मस्ट है पिक, मैट भी मस्ट है पिक, एसनम्पीना भी मस्ट है पिक, 3 मस्ट है पिक है। नीचे के दोस्तों जो प्लेयर हैं उनमें से आप रोटेशन में ट्राई कर सकते हो, जैसे जोसेफ कोहली हो गए या ए मोहम्मदी हो गए, स्पेशली जोसेफ कोहली को भी आप मस्ट है पिक ही समझिए, ए मोहम्मदी को आप छोड़ सकते हो चाहो तो। बात करें दोस्तों यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन की, समय 4 प्लेयर लिए हैं, यहाँ से पी जकायो कमुनिया मस्ट है पिक, अवेको मस्ट है पिक, नीचे देखेंगे आई अलुमा और यहाँ से जोरम, 4 के 4 इंपॉर्टेंट है, नीचे और कोई इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं। बात करें दोस्तों यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन टीम की फाइनल प्रीव्यू की, दोस्तों कैप्टन में करा हुआ है ऐसे जेनेट मम्बाजी को, वाइस कैप्टन दोस्तों हैं यहाँ से पी जकायो कमुनिया, दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। हालांकि दोस्तों जेनेट मम्बाजी आपको टॉप ऑर्डर खेलते हुए नजर आएंगे, नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे, 1 डाउन प्लस आप 4 ओवर के आसपास से बॉलिंग देखेंगे। कमुनिया का आप 4 ओवर तो कन्फर्म देखेंगे, लेकिन बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे जरूर रहता है। दोस्तों इन दोनों के अलावा जो आप सीबीसी ट्राई कर सकते हो, ये दोनों स्मॉल लीग में बेस्ट मुझे लगे कैप्टन वाइस कैप्टन के। अब दोस्तों ग्रैंड लीग के अंदर जो आप सीबीसी ट्राई कर सकते हो, इन दोनों के अलावा वो बॉलर्स में ट्राई कर सकते, जैसे फेरंक जोरम हो गए, इसके अलावा इन दोनों एसमेट और एफ क्यू दोनों ओपनर हो गए, दोनों बैटिंग से कड़क फॉर्म में दिखेंगे दोनों मैचेस में, और साथ में दोनों कभी भी अच्छा खासा बॉलिंग भी कर सकती हैं, तो इन दोनों को भी सीबीसी ग्रैंड लीग पर ट्राई कर सकते हो। ड्रीम का टीम यही रहने वाला है, लेकिन दोस्तों यदि आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर खेल रहे हो जहाँ पे 3 बैट्समैन लेने जरूरी है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया, वहाँ पे दोस्तों हमने प्रेस क्यूब अकाको अलाको और ऐसे मैंने हुडा उमरी को ले लिया, दो एक ऑलराउंडर और एक बॉलर को कम करके, तो ये टीम उस प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ पे 3 बैट्समैन लेने आपको जरूरी होते हैं, तो वहाँ पे ही इसका यूज करिएगा। बाकी जो लोग ड्रीम पे खेलें तो ड्रीम पे यही टीम को यूज करेंगे, लेकिन दोस्तों यदि मेरी टीम में कुछ भी अपडेट होगा तो दोनों मतलब ड्रीम की भी और अदर प्लेटफॉर्म की भी दोनों टीम में अपडेट सबके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जिस टीम से मेरा अनाउंसमेंट रहेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आपने ज्वाइन होना है। ऑलरेडी दोस्तों वहाँ पे 24,500 ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जुड़ना एकदम फ्री है, यदि आपने नहीं किया तो आप बहुत पीछे हो, डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में लिंक दिया हुआ, ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मिलने वाले हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के साथ साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर सबका लिंक मिल जाएगा, हर जगह आपने फॉलो कर लेना है, क्योंकि जीएल से जो रिलेटेड अपडेट है ना वही मिलती है आपको। बाकी टेलीग्राम पर सारा अपडेट दिया जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियोज को लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल
को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।